सौर्यमंडल में घूम रहे 9 ग्रहों में शुक्र ग्रह का विशेष महत्व है। कहते हैं यह ग्रह मनुष्य को धन वैभव कीर्ति यश प्रदान करता है। इस ग्रह का नेतृत्व दैत्य ऋषि शुक्राचार्य करते हैं, किंतु शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए माँ लक्ष्मी की आराधना की जाती है। माता लक्ष्मी के प्रसन्न होते ही आपको धन यश वैभव प्रेम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मित्रों, आज हम आपको शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ अचूक उपाय बताने जा रहे हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार शुक्रवार को मां लक्ष्मी की आराधना का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप अपनी कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो मां लक्ष्मी की आराधना करें। मां लक्ष्मी के प्रसन्न होते ही आपको यश वैभव कीर्ति सब कुछ प्राप्त हो जाता है। मां लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न किया जाए और शुक्र ग्रह आपका कैसे मजबूत किया जाए, आज हम इसके कुछ अचूक उपाय आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले शुक्रवार को आप सफ़ेद रंग के कपड़े ही पहने और ध्यान रखें रात्रि में आप अपनी बेडशीट का कलर भी सफ़ेद ही कर दें तो अति उत्तम होगा। शुक्रवार को घर के ईशान कोण में गाय के देसी घी से एक दीपक जला दें। उस दीपक में थोड़ी सी केसर डाल दें और रुई की जगह लाल धागे का प्रयोग करें। उस दीपक को आप अपने घर के ईशान कोण में स्थापित करके जला दें। नियमित रूप से आप हर शुक्रवार को अगर ऐसा करते हैं तो आपकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी। शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को अगर आपकी पत्नी में और आप में बहुत अच्छी नहीं बन रही है, दोनों में आए दिन झगड़ा और खिचखिच हुआ करता है, तो पत्नी में प्रेम को बढ़ाने के लिए एक आसान सा प्रयोग हम आपको बता रहे हैं। शुक्रवार को आप अपनी पत्नी के द्वारा साबूदाने की खीर बनवाएं। उस खीर में चीनी की जगह आप मिश्री का प्रयोग करें और थोड़ी सी केसर भी उसमें डाल दें। फिर उस खीर से अपने इष्ट देवता यानी भगवान का भोग लगाएं और बाद में पति पत्नी को और पत्नी पति को वो खीर खिला दें। निसंदेह कुछ शुक्रवार ऐसा करते ही पति पत्नी के बीच चला आ रहा मन मुटाव और तनाव स्वतः समाप्त हो जाएगा। आप अगर धन की कामना कर रहे हैं तो शुक्रवार को गरीबों को सफ़ेद रंग की मिठाई व सफ़ेद वस्त्र दान करें। सफ़ेद खाद्य सामग्री गरीबों को दान करते ही मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी और आपकी धन संबंधित समस्या दूर हो जाएगी। किसी भी मंदिर में, और बेहतर होगा कि किसी देवी के मंदिर में आप शुक्रवार के दिन इत्र का दान कर दें। यह कई शुक्रवार को लगातार अगर ऐसा आप करते हैं तो मां लक्ष्मी आप पर प्रसन्न हो जाएंगी। अगर आप धनागम चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके पास पैसे के और भी कई स्रोत मजबूत हो जाएं, तो आप दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु की मूर्ति का अभिषेक करें, फिर विधिवत पूजन करें। इससे आपकी धन की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आपको हम एक ऐसा नुस्खा बताने जा रहे हैं जो आपके धन के भंडार को बढ़ा देगा। आप शुक्रवार के दिन पीला कपड़ा ले लीजिए। उस पीले कपड़े में 5 पीली कौड़ी रखिए, थोड़ा सा केसर तथा 1 आध सिक्का उसमें डाल दीजिए।
फिर भगवान का ध्यान लगाइए और माँ लक्ष्मी से कामना करिए कि वो आपकी तिजोरी को हमेशा भर दे। बस उसके बाद उस कपड़े को गांठ मार के अपने तिजोरी में या गले में रख दें। आप देखेंगे कि ऐसा करते ही आपकी तिजोरी या गले में धन की कमी नहीं रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण उपचार और अंतिम इलाज मैं आपको बता रहा हूँ। शुक्रवार को आप 7 कन्याओं को अपने घर आमंत्रित करें। उन कन्याओं का पहले विधिवत पूजन करें और उसके बाद उन्हें भोजन कराएं। भोजन में खीर जरूर खिलाएं। उसके बाद उन कन्याओं को दक्षिणा दें और वस्त्र देकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। शुक्रवार को अगर यह कार्य आप करते हैं तो निसंदेह माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होंगी। यानी कि अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के ये अचूक उपाय प्रयोग करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह स्वतः मजबूत हो जाएगा और फिर आपको आपके जीवन में धन, वैभव, यश, कीर्ति, प्रेम सब कुछ स्वतः प्राप्त होता रहेगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे आगे जरूर भेजें। देखते रहिए प्रेम सनातन टीवी।